राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डीवाई चंद्रचूड़ को देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। वे 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे। वे देश के 50वें सीजेआई के रूप में अपना दायित्व संभालेंगे। चंद्रचूड़ इस पद पर 10 नवंबर 2024 तक बने रहेंगे। उन्होंने यूयू ललित की जगह ली है। जस्टिस ललित का यह कार्यकाल केवल 74 दिनों का रहा और यह 8 नवंबर को खत्म हो रहा है। बीते हफ्ते उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम देश के अगले सीजेआई के रूप में नामित किया था। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को देश का अगला सीजेआई नियुक्त किया है। कानून मंत्रालय ने राष्ट्रपति से उनके नाम की मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मुहर लगा दी। चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश वर्तमान सीजेआई यूयू ललित ने की थी। भारतीय परंपरा के अनुसार कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वर्तमान चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर उनके उक्त अधिकारी का नाम बताने की अपील की थी। इसके बाद सीजेआई यूयू ललित ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भेजा। ऐसी परंपरा है कि जब कानून मंत्री मुख्य न्यायाधीश के लिए नाम मांगते हैं, तब केवल वर्तमान सीजेआई अपनी सिफारिश भेजते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय के लिए इस अहम पद पर रहे। 1978 से 1985 यानी 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन किए थे। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी वह बतौर जज काम कर चुके हैं। बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालयों में लेक्चर दे चुके हैं। बतौर जज नियुक्त होने से पहले वह देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। साथ ही बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने उदार छवि और बेबाक फैसलों के कारण लोकप्रिय हैं। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ उस 5 न्यायाधीशों की पीठ में से एक थे जिन्होंने 1976 में फैसला सुनाया था कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और लोग अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य के निर्णय में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। चंद्रचूड़ अयोध्या विवाद का फैसला करने वाली 5 जजों की बेंच का भी हिस्सा थे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एक अलग सहमति वाला निर्णय दिया। साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरला राज्य का फैसला सुनाया कि सबरीमाला मंदिर से 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को बाहर करना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। तो वहीं अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता समेत तमाम मौलिक अधिकारों को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ सजग रहे। उन्होंने राजनीतिक और वैचारिक रूप से अलग अलग छोर पर खड़े लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक जैसा आदेश दिया। वह यह कि सिर्फ अपने विचार व्यक्त करने के लिए किसी को जेल में डाल देना सही नहीं। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें द वीओबी इंडिया।